नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। सामान्यतः एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। अलग अलग प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे इंसानों में अलग होती है, इंसानों में 24 होती है, सॉरी 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 होती है। ड्रोसोफिला में 4 पेयर होते हैं। वैसे ही हर एनिमल या हर प्लांट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। प्राइम कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है, जबकि उसके युग्मक जो गैमेट होते हैं, जिनका निर्माण अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा होता है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या उनकी आदि या हैप्लॉयड होती है। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चयों के सेट को जीनोम कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड जीनोम। गुणसूत्रों में होने वाले संख्यात्मक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, सुगुणिता और असगुणिता। सुगुणिता मीन्स यूप्लॉइडी, असगुणिता मतलब एन्यूप्लॉइडी। पहले हम सुगुणिता या यूप्लॉइडी की बात करते हैं। सुगुणिता कई कोशिकाओं में गुणसूत्रों के समुच्चयों में परिवर्तन पाया जाता है, अर्थात गुणसूत्रों के समुच्चयों का गुणज पाया जाता है, जिसको हम सुगुणिता या यूप्लॉइडी कहते हैं। मतलब गुणसूत्रों के पूरे सेट ही डबल ट्रिपल या चौबल हो जाते हैं। जैसे कि इसके हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिसको हम अगुणिता या हैप्लोइडी या मोनोप्लॉइडी कहते हैं, डिप्लोइडी या द्विगुणिता, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। अगुणिता हैप्लोइडी या मोनोप्लॉइडी होती है, जिसमें गुणसूत्रों के सिर्फ एक सेट पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश के स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगुणिता या मोनोप्लॉइडी वह अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट या जीनोम उपस्थित होता है। मैं ऊपर बता चुका हूं कि हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड जीनोम, मतलब हैप्लोइड कंडीशन में एक जीनोम पाया जाता है। यहां पर हैप्लोइडी और मोनोप्लॉइडी में कुछ डिफरेंस होता है। मोनोप्लॉइडी में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट पाया जाता है, जैसे मटर के अंदर N7, ड्रोसोफिला में N7, मक्के में N10, माफ कीजिएगा शायद ड्रोसोफिला में गलत लिखा हुआ है, ड्रोसोफिला में 4 डिप्लॉइड पाए जाते हैं, इसके अंदर आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये नेचुरल रूप से पाया जाता है। हैप्लोइडी होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उस कंडीशन को हम हैप्लोइडी कहते हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। हैप्लोइडी जब अर्धसूत्री विभाजन के अंदर बाद गुणसूत्रों में संख्या आधी रह जाती, जैसे युग्मकों में इस युग्मक जैसे स्पर्म और ओवम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, तो उस कंडीशन को कहते हैं अपन हैप्लोइड। और मोनोप्लॉइड मतलब नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से किसी जीव या ऑर्गेनिज्म के अंदर आधे ही गुणसूत्र पाया जाना। अब अगुणितों के या मोनो अगुणितों के आकारिकी लक्षण की बात की जाए, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात की जाए, तो ये पादप आकार में छोटे दुर्बल होते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है इनमें गुणसूत्र आधे ही पाए जाते हैं। इनकी सभी कायिक व पुष्पीय संरचनाओं के आकार में भी कमी पाई जाती है। इनकी जीवन क्षमता या वायबिलिटी कम होती है। केंद्रक का आयतन द्विगुणित कोशिका के केंद्रक के आयतन से आधा होता है। क्यों? क्योंकि आधे ही गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। अगुणितों में परागकण का व्यास भी द्विगुणों की तुलना में कम होता है। ये इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जो नॉर्मली मोनोप्लॉइड्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर इनके हम कोशिका विज्ञान की बात की जाए तो अगुणित पादपों तथा प्राणियों में उच्च स्तर की बंध्यता या स्टरिलिटी देखने को मिलती है। मतलब ये प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते। इनकी जीवन क्षमता बहुत कम होती है, मतलब इनका लाइफ पीरियड बहुत कम होता है। इनकी कोशिकाओं में केवल असमजातीय गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, एवं युग्मन के लिए समजातीय गुणसूत्रों का अभाव होता है, क्योंकि ये इनमें गुणसूत्रों का सिर्फ एक ही सेट पाया जाता है। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का दोनों ध्रुव पर वितरण असमान होता है, परिणाम स्वरूप अलग अलग युग्मकों में अलग अलग संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न युग्मकों में जीवन क्षमता नहीं पाई जाती, अतः शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु अगुणित आनुवांशिक दृष्टि से शुद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें जीन का केवल एक गुणसूत्रों का केवल एक सेट पाया जाता है, जिसको हम जीनोम कहते हैं। इसलिए आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो क्रोमोसोम के सेट नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता। क्योंकि एक ही सेट है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, इसलिए जीन एक्सचेंज नहीं हो पाते, इसलिए जेनेटिक रूप से बिल्कुल
प्योर होते हैं। अब इसकी दूसरे प्रकार की बात करते हैं, डिप्लोइड या द्विगुणिता। हम सामान्यतः एक सामान्य कंडीशन है, हायर लेवल के जितने भी प्लांट्स हुए या एनिमल्स हुए सभी डिप्लोइड होते हैं। हम ह्यूमन भी डिप्लोइड हैं, हमारे अंदर गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं, जो जोड़े में होते हैं हमारे अंदर 23 जोड़े पाए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग एनिमल में अलग अलग संख्या पाई जाती है। इनमें सामान्यतः कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद गैमीट्स या युग्मकों का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और वो आगे जाके वापिस से निषेचन करके स्पर्म ओम निषेचन करके डिप्लोइड कंडीशन को प्राप्त करते हैं। अब इसकी तीसरा प्रकार पाया था पॉलीप्लोइड या बहुगुणिता। बहुगुणिता मोस्टली प्लांट्स के अंदर बहुतायत में पाई जाती है। एक साइंटिस्ट है स्टेबिंस, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी 25% स्पीशीज पॉलीप्लोइड होती है। इसके एग्जाम्पल में गेहूं, ज्वार, कपास, आलू, केला, कॉफी, गन्ना बहुत से हैं। बहुगुणिता के कारण चूंकि इसमें गुणसूत्रों के बहुत से सेट पाए जाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उनसे भी कहीं ज़्यादा, इस कारण से इनकी कुछ शरीर के अंदर आकारिकी चेंज आते हैं, कोशिका के अंदर भी कुछ आकारिकी चेंज आते हैं। जैसे इनकी कोशिकाओं का आकार बहुत बढ़ जाता है, केंद्रक का आकार बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों के कई सेट पाए जाते हैं। हालांकि ये प्लांट्स में घटना नॉर्मल है, परंतु वर्टिब्रेट्स प्राणियों में या एनिमल्स के अंदर सामान्यतः नहीं पाई जाती। अगर किसी में पाई भी जाए तो वह एनिमल जिंदा नहीं रह पाता। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ऐसी घटनाएं पाई जाती है, पर ओवरऑल कहा जाए तो एनिमल किंगडम के अंदर पॉलीप्लोइडी बहुत रेयर घटना है, क्योंकि पॉलीप्लोइडी होने के बाद किसी एनिमल का जिंदा रहना बहुत रेयर होता है। प्राणियों में अत्यधिक गुणसूत्रों के कारण इसे इंटरसेक्स एनिमल्स में अगर ऐसी कोई घटना होती है कमी ज्यादा के कारण, तो इंटरसेक्स या मध्य लिंगी का निर्माण भी हो जाता है। अब बहुगुणिता की बात किया है तो बहुगुणिता को हम तीन प्रकार में बांटते हैं, ऑटोपॉलीप्लोइडी, स्वबहुगुणिता, एलोपॉलीप्लोइडी, परबहुगुणिता या सेगमेंटल पॉलीप्लोइडी या खंडीय बहुगुणिता। ऑटोपॉलीप्लोइडी की बात करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों के मूलभूत समुच्चय गणित के मल्टीपल रूप के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य कारण इररेगुलर अर्धसूत्री विभाजन होता है इनके निर्माण का। कहने का मतलब है एक ही प्रकार के गुणसूत्र सेट कई मल्टीपल के अंदर रूप पाया जाए। जैसे कि अपन लिखा गया ए, ए एक गुणसूत्रों का सेट है, वो दो बार पाएगा डिप्लोइड, तीन बार पाएगा ट्रिप्लोइड, चार बार पाएगा टेट्राप्लोइड या उससे अधिक बार पाया जाए तो वो सब पॉलीप्लोइडी के अंदर पाया जाता है। मतलब एक जीनोम के कई मल्टीपल रूप में अगर पाया जाए तो इसको हम पॉलीप्लोइडी कहते हैं, ऑटो पॉलीप्लोइडी। इसमें भी हम दो तीन टाइप बांटते हैं, ऑटो टेट्राप्लोइडी जिसमें जीनोम के तीन सेट पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम 3N भी कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बीज रहित सेब, नाशपति, अंगूर, संतरा, अमरूद, सेब, तरबूज इनका निर्माण करते हैं। फिर होता है ऑटो टेट्राप्लोइडी, ये वही बात है, अगर जीनोम के चार सेट पाए जाए तो वो क्या कहलाएंगे, स्व चतुर्गुणित या ऑटो टेट्राप्लोइड। ये भी हॉर्टिकल्चर में काम आते हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही काम आते हैं, इनसे मक्का, गेंदा, लिली, अंगूर, सेब बनाए जाते हैं। अगर इनकी कोशिका विज्ञान की बात की जाए तो इनमें गुणसूत्रों के संख्याओं के सेट बहुत अधिक होते हैं। बाइवेलेंट के स्थान में विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, तो इसमें बाइवेलेंट के स्थान पर मल्टीवेलेंट का निर्माण होता है। ये है सामान्य सी बातें हैं। अब ऑटो पॉलीप्लोइड के बाद इसका नेक्स्ट आता है एलो पॉलीप्लोइड। एलो पॉलीप्लोइडी के अंदर भी जो जीनोम के सेट है अधिक संख्या में पाए जाते हैं, परंतु इसके अंदर दो हाइब्रिड कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में बताया गया है, एक स्पीशीज है एक्स, एक स्पीशीज है वाई। एक्स स्पीशीज की डिप्लोइड कंडीशन में है और उसके अंदर क्रोमोसोम से ए। बी स्पीशीज भी डिप्लोइड कंडीशन में है, इनके अंदर क्रोमोसोम बीबी। जब दोनों के अंदर क्रॉस कराया जाता है तो हमें एक हाइब्रिड प्राप्त होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ए एंड बी। और जब इसके कारण किसी कारणवश इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो दो ए हो जाते हैं, दो बी हो जाते हैं, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं एलो पॉलीप्लोइडी या पर बहुगुणिता। ऑटो पॉलीप्लोइडी में इसका उल्टा था, उसमें अगर ए ए ही संख्या बढ़ता जाए, ए ए दो बार तीन बार आ जाए तो ऑटो टेट्राप्लोइडी, चार बार आया तो टेट्रा ऑटोप्लोइडी कहलाता है। परंतु इसके अंदर दो अलग अलग स्पीशीज सब हाइब्रिड करती है, तो दो अलग अलग स्पीशीज के क्रोमोसोम के सेट मिक्स होकर जब संख्या में बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एलो पॉलीप्लोइडी।
इसका एग्जांपल नीचे दिया गया है। इसका एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखे जाए तो साइंटिस्ट द्वारा एक प्लांट बनाया गया था, उसको हम कहते हैं रेफेनो ब्रेसिका। यह मूली जिसका बॉटनिकल नेम है रेफेनस सेटाइवस तथा गोभी जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, इन दोनों के क्रॉस से बनाया जाता है। ये एक प्रकार का एलोपॉलीप्लॉइडी है। इसके अलावा भी आप नीचे एग्जांपल देखेंगे तो और एग्जांपल मिल जाएंगे, परंतु एक एग्जांपल ही काफी होता है। थर्ड आता है इसका सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी। यह भी एक प्रकार का एलोपॉलीप्लॉइडी है, इसे मतलब हाइब्रिड का निर्माण होता है। वही वाला उदाहरण ले सकते हैं, दो ए ए दो दो बी बी से निर्माण होता है, दो ए ए दो बी बी, परंतु इसके अंदर सेगमेंटल या खंडीय परबहुभुजता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम के सेट मल्टीपल नहीं होते, क्रोमोसोम का मात्र एक खंड एक से अधिक बार पाया जाता है। सिर्फ क्रोमोसोम का एक खंड एक से अधिक बार मल्टीपल रूप से पाए जाने के कारण इसे खंडीय परबहुभुजता या सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह है एलोपॉलीप्लॉइडी प्रकार का। दो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड के जब हाइब्रिड क्रोमोसोम्स की संख्या के सेट में संख्या सेट जब जीनोम के सेट मल्टीपल संख्याएं बढ़ते हैं तो उसको एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं, पर इसके अंदर पूरे के पूरे क्रोमोसोम के सेट नहीं बढ़ते, क्रोमोसोम का सिर्फ एक खंड मल्टीपल रूप से संख्या में बढ़ जाता है, इसलिए इसको सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अगर बहुगुणिता की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये आकार में बड़े प्लांट होते हैं, अधिक हेल्दी होते हैं, इनमें क्रोमेटिन भी अधिक प्रकार का पाया जाता है, इनकी पत्तियों का आकार बड़ा होता है, परागण जो गार्ड सेल्स होती है, टिप रूट रूट की टिप होती है उनका साइज भी बढ़ जाता है, कोशिका का साइज बढ़ जाता है जिससे पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि विसरण दाब न्यूनता कम हो जाती है, माफ कीजिएगा, हाँ सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी का ये मैं समझा चुका हूँ सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। अब उसके बाद सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी के बाद नीचे इसके इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि विसरण दाब न्यूनता में कमी आ जाती है तथा पानी के प्रतिरोध में ह्रास होता है, जिससे कि प्लांट की वाटर रेसिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब वो कम पानी में जिंदा नहीं रह पाता। बहुगुणिता विभाजन की दर धीमी होने के कारण धीमे होने के कारण इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कमी पाई जाती है जिससे रेस्पिरेशन रेट भी इनका बहुत कम हो जाता है, कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है, तो ये इनके पॉलीप्लॉइडी के इंपॉर्टेंस कहलाती है। दूसरा टाइप आता है न्यूमेरिकल चेंजेस क्रोमोसोम्स में, असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। जब किसी जीव में उपस्थित द्विगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय में एक या दो गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि हो जाए तो उसे असुगुणिता कहते हैं। सुगुणिता में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का पूरा सेट बढ़ता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे 1n का 2n, हैप्लोइड का डिप्लोइड, डिप्लोइड का ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड का टेट्राप्लोइड या पॉलीप्लोइड हो जाता है, परंतु इसके अंदर पूरा क्रोमोसोम का सेट की संख्या भी नहीं बढ़ी होती, सिर्फ एक या दो गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी होती है। जैसे मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो सुगुणिता में बात की जाए तो 23 जोड़ी के जैसे मतलब सॉरी दो जोड़ी 23 क्रोमोसोम दो जोड़ियों के अंदर पाए जाते हैं तो उनके तीन जोड़ी हो सकते हैं, चार जोड़ी हो सकते हैं, पांच जोड़ी हो सकते हैं, तो ये घटना तो कहलाती है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्रों में एक दो गुणसूत्र की कमी या अधिक हो जाए, पूरा का पूरा सेट नहीं, सिर्फ एक या दो गुणसूत्र कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। ये भी दो प्रकार की होती है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मतलब संख्या का कम होना, हाइपो मीन्स कम होना, हाइपर मीन्स संख्या का बढ़ना। अगर इसके टाइप की बात की जाए तो हम जैसे हाइपोप्लॉइडी पढ़ते हैं, द्विगुणित समुच्चय में यानी डिप्लॉइड कंडीशन में अगर एक या अधिक गुणसूत्र कम हो जाए तो इसे हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि इसको हम इसके नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं 2n-1, मतलब 2n एक डिप्लॉइड कंडीशन में है, क्रोमोसोम के दो सेट पाए जाए उनमें से मात्र एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाए तो वो घटना कहलाती है हाइपोप्लॉइडी। ये भी दो प्रकार की होती है, एक मोनोसोमी एक नल्लिसोमी। एक न्यूनसूत्रा मीन्स मोनोसोमी, द्विन्यूनसूत्रा मतलब नल्लिसोमी, मतलब 2n के अंदर एक गुणसूत्र की कमी हो जाए। द्विगुणित कंडीशन में द्विगुणित अवस्था के अंदर किसी जीव के एक क्रोमोसोम की कंडीशन अगर उसकी कमी हो जाए तो उस घटना को हम कहते हैं
मोनोसोमी, जिसको हम 2N-1 कहते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, डबल मोनोसोमी कहते हैं इसको, दोहरी एकादी न्यूनता कहते हैं, जिसमें दो गुणसूत्रों की कमी होती है परंतु दोनों गुणसूत्र असमजात होते हैं, अलग अलग जोड़े से होते हैं। इसको हम 2N-1-1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है नंगीसोमी या द्विन्यून सूत्रता। अगर डिप्लोइड सेट में से, जैसे एक मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र है, उसमें से पूरा का पूरा एक जोड़ा गायब हो जाए और 22 जोड़ी गुणसूत्र ही बच जाए, तो इस घटना को कहते हैं हम द्विन्यून सूत्रता या नंगीसोमी। जनरली ये स्टाइल होते हैं प्लांट्स के अंदर, इसके एग्जाम्पल देंगे गेहूं, मक्का, इस टाइप के होते हैं। और मोनोसोमी के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र है, उसमें से मात्र एक गुणसूत्र कम हो जाए, 46 की जगह मान लो 45 रह जाए, तो वो कहलाएगी मोनोसोमी। और अगर एक और गुणसूत्र कम हो जाए परंतु दूसरे जोड़े में से, उसी जोड़े में से नहीं, तो वो कहलाएगी डबल मोनोसोमी। और एक पूरा का पूरा जोड़ा कम हो जाए तो वो घटना कहलाएगी नंगीसोमी। इसी प्रकार इसका दूसरा टाइप होता है हाइपरप्लॉइडी, अधिक गुणता, हाइपर मीन्स अधिक होना, मतलब डिप्लॉइड के अंदर एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे एकादी सूत्रता या ट्राइसोमी। इसका सूत्र होगा 2N+1। मतलब मानव के उदाहरण लिया जाए तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं, अगर 46 में एक गुणसूत्र बढ़ जाए वो 47 हो जाए, तो ये घटना क्या कहलाएगी, ट्राइसोमी। इसके भी तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी ट्राइसोमी कहती है, जैसे कि अगले हम एग्जाम्पल समझेंगे, ऊपर आप डायग्राम देखिए, प्राइमरी ट्राइसोमी कहती है कि बढ़ने वाला गुणसूत्र बिल्कुल दोनों गुणसूत्र के समान हो तो वो घटना कहलाएगी प्राइमरी ट्राइसोमी। मतलब जो गुणसूत्र की एक गुणसूत्र जो संख्या में अधिक हो रहा है वो दोनों जोड़े गुणसूत्र के बिल्कुल संख्या में समान हो तो वो घटना कहलाएगी ट्राइसोमी, प्राइमरी ट्राइसोमी। अगर वो अलग हो, आइसोक्रोम हो, तो वो घटना कहलाएगी सेकेंडरी ट्राइसोमी। और अगर ट्रांसलोकेशन के कारण तीसरे गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है, ट्रांसलोकेशन के कारण दो गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान हो जाता है, तो वो घटना कहलाती है ट्रांसलोकेशन। तो अगर ट्रांसलोकेशन के कारण एक अतिरिक्त गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है, जैसे कि तीसरे डायग्राम में दिखाया जा रहा है ब्लैक सा अलग सा, इस ट्राइसोमी को कहते हैं हम टर्शियरी ट्राइसोमी। समझ गए होंगे आप प्राइमरी ट्राइसोमी क्यों, जो बिल्कुल गुणसूत्र दोनों गुणसूत्र युग्मों के गुणसूत्रों के बिल्कुल समान हो, सेकेंडरी ट्राइसोमी असमान हो या आइसोक्रोम हो, टर्शियरी ट्राइसोमी तृतीय गुणसूत्र या अतिरिक्त गुणसूत्र का निर्माण ट्रांसलोकेशन के कारण हो। ट्राइसोमी का उपयोग विशिष्ट गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की उपस्थिति के कारण लगाया जाता है। किसी जीन की स्पेसिफिक पोजीशन ज्ञात करने के लिए ट्राइसोमी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जीन नॉर्मली मेंडल्स के नियमों का पालन नहीं कर सकते, इनमें पृथक्करण नहीं हो पाता, इस कारण से जीन विनिमय नहीं होता। जीन विनिमय नहीं होता तो किसी भी जीन की पोजीशन चेंज नहीं होती, जो जीन क्रोमोसोम में जिस जगह है उसी जगह रहेगा। इस कारण से एक जीन की स्पेसिफिक पोजीशन, जिसको हम लोकस भी कहते हैं, उसको पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका लास्ट टाइप है टेट्रासोमी, यानी कि 2N+2। सिंपल से कहा जाए, पूरा का पूरा एक गुणसूत्र का जोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे ह्यूमंस में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर पूरा का पूरा जोड़ा गुणसूत्र में हो गया, मतलब 24 जोड़े गुणसूत्र हो गए, तो ये घटना कहलाएगी टेट्रासोमी, इसलिए इसको 2N+2 कहते हैं। कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है कि एक जोड़ा तो बढ़ जाए और एक जोड़ा विलुप्त हो जाए, मान लें ह्यूमंस में 23 जोड़े क्रोमोसोम में एक जोड़ा तो संख्या में डबल हो जाए, मतलब 24 जोड़े हो जाए, और दूसरा जोड़ा एक संख्या में कम हो जाए, तो वापस वो 23 हो जाते हैं, परंतु एक जोड़े दो डबल रूप में पाए जाते हैं और एक जोड़ा पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस घटना को कहते हैं हम, जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम जो में पाया जाता है उसको हम कहते हैं होमियोलोगस क्रोमोसोम। इसको हम 2N-2+2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो इनका उपयोग प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन को उत्पन्न करने में किया जाता है, जीन का स्ट्रक्चर का, जीन का लोकस और जीन का स्ट्रक्चर की स्टडी में इनका उपयोग किया जाता है, गुणसूत्र की कमी या अधिकता से होने वाले प्रभाव के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। यह हमारा टॉपिक खत्म होता है, धन्यवाद।